तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सातों प्रिंसेस हमारी नियांग फेंग से मिलने आती है। हमारे नियांग फेंग भी कहता है कि अरे यार बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया स्वागत है आप सभी का इतना सुबह सुबह, आइए आइए अंदर यहाँ पे बैठिए। मुझे लगा नहीं था कि सच्ची में जो हवेली पैलेस अनसील हो जाएगा और आप सभी अनसील हो जाएगी। सातवीं प्रिंसेस कहती है जो कुछ हुआ आपकी वजह से यहाँ पर हुआ, आपका यह सहना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हमारे नियांग फेंग देखते मेरे वजह से, अच्छा मैंने बोला था कहानी यहाँ पे बताओ तो हो जाएगा। तो ये कहता है भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। जो सुनते सारी प्रिंसेस चौक जाती है, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर है, लेकिन ये तो बड़े कमाल के बंदे ना, इनके लिए बहुत ही छोटी बात यहाँ पर है। नियांग फेंग कहते भाई इतने सुबह सुबह इतने दूर से यहाँ पर आए हो, ऐसे कैसे जाओगे, नाश्ता करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, लीजिए मोमोस यहाँ पर खाइए, आई होप आपको बुरा ना लगे। तो सातवीं सोचती भाई बुरा लगेगा, मिस्टर नियांग फेंग टट्टी भी ऑफर यहाँ पर करेंगे ना, हम वो खुशी खुशी यहाँ पर खा लेंगे। और ये तो मोमोस यहाँ पर ऑफर करे, ये वही मोमोस है जिसके अंदर इनर डिस्प्यूट है, जिसने मेरी बहनों की जान यहाँ पे बचाई, जिसने हमारा हेवली प्लेस यहाँ पे आजाद करवाया, ये कैसे खा सकती हूँ यार, ये खाऊंगी ना तो डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे लगेगा। लेकिन जो बाकी बहनें यहाँ पे थी ना बिंदास दम खाए जा रही थी, तो सातवीं भी देखते यहाँ भी है तो, लेकिन मोमोस ना इनके लिए, हाँ तो मोमोस समझ के खा लेती हूँ तो भाई खाने लग जाती है और क्या। हमारे नियांग फेंग कहता है लेकिन अचानक से भाई सुबह सुबह तुम सातों प्रिंसेस यहाँ पर आ गई, कुछ गड़बड़ की बात है क्या। सातवीं कहती नहीं गड़बड़ की बात यहाँ पे नहीं है भाई, आप इतने कमाल के हो, आपके वजह से ना हमारा हेवली प्लेस यहाँ पे अनसील हुआ है, हमने आपको सेंट का टाइटल यहाँ पे दे दिया है, हवेली पैलेस में हमने आपके लिए अलग ही जगह का बंदोबस्त यहाँ पे कर दिया है, वहीं पे आइए वहीं पे रहिएगा। ये भी कहता ना ना भाई मैं कमाल का संत, बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, ये छोटे से घर में मैं खुश यहाँ पर हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो लोग कहते नहीं ऐसा मत समझे, हम आपको गिफ्ट दे रहे या फिर रिश्वत यहाँ पे दे रहे, आप हो संत, आप ना टाइटल यहाँ पे डिजर्व करते हो, हम अपनी ओर से कुछ भी आपको नहीं दे। तो अपने नियांग फेंग बोरिया भी इस तरह बांध लेता हूँ, कहता हूँ ठीक है चलो। सातवीं भी लाइक अरे यार अभी आपको मना रहे थे, इतना जल्दी तैयार भी हो गए तो चलो यार और क्या। हमारे नियांग फेंग कहते यार मैं भी इस मांगा का मेन कैरेक्टर हुआ, मेन कैरेक्टर को हमेशा ऐसा ट्रीट यहाँ पे मिलना चाहिए। आओ आते हैं हवेली पैलेस, यहाँ पे साउथर्न हवेली गेट एक जगह यहाँ पे थी, उस जगह पर ऐसा तैयार किया गया था हमारे नियांग फेंग के लिए, वहीं पर आएगा वहीं पर रुकेगा, कुछ गार्ड बार बार वहीं पर देख रहे थे। तभी जायंट स्पिरिट गॉड यानी कोई था भी बहुत ही बड़ा सा बंदा, वो यहाँ पर आता और आते कहते गार्ड लोग से, वो क्या साउथर्न एरिया में क्या तुम लोग घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रहे हो, वो वहाँ पे कमाल के संत आने वाले, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम वहाँ पे घूर घूर के देखो। ये लोग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम बार बार मुँह उठा के काई को आ रहे हो। पीछे से दूसरा बंदा आता, वो एक चिल्लाता कि हाँ भाई तुम उठा के काई को आ रहा है। तो जायंट स्पीड गॉड कहता भाई संत यहाँ पे आने वाले, उनका घर यहाँ पे थोड़ा सा टूटा फूटा है, उसको रिपेयर करवाने के लिए। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है, अब लेकिन तेरे हाथ में जो पिलर यहाँ पर है वो पिलर लेकर तो घूमे काई को जा रहा है, तो वो भी कहता रहे ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में किचन का जो चेफ यहाँ पे था जो खाना बनाता है वो भी आ जाता है, ये कह दो माय गॉड मैंने सुना जो कमाल के सैन देना जिनके वजह से हमारे पहले से रिस्टोर हुआ है वो यहाँ पे आने वाले, मेनू भी मिलाओ ना, मेनू भी यहाँ पे मिलना है। ये लोग कहते सारे तू बावर्ची हो, तेरा काम है किचन में रहने का, जा और तो जैसा किचन में घुस और खाना बना, तू हमारी पैर की जूती है। तभी गार्ड कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो आने वाले। तो फाइनली नियांग फेंग सातों प्रिंसेस के साथ ना आ जाता है, जैसे जैन स्पीड गॉड देखता ना वो घुटनों पे आता और कहता भाई प्रिंसेस यार आप लोग का स्वागत, मैं साउथर्न हवेली गेट रिपेयर कर ही रहा था लेकिन आप लोग पहले यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं कि मैं काम चोरी कर रहा था, नहीं नहीं मैं काम कर ही रहा था, आप लोग थोड़ा सा पहले यहाँ पर आ गए, मुझे हल्का सा टाइम अगर आपने दे दिया ना मैं अच्छे से रिपेयर यहाँ पे कर दूंगा। तो प्रिंसेस लोग भी सोचते कि अरे यार क्या करें हम लोग अभी यहाँ पर। तो हमारे नियांग फेंग के पास आता है, हाथ पकड़ ले तो कहते पक्का आप यूँ कमाल के सेंध दिया पर हो गए, हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे लंबे समय से मिलना चाहता हूँ और मैं एक जैंट स्पिरिट गॉड हूँ। जैसे हमारा देखता है ना नियांग फेंग उसको याद होता है जैंट स्पिरिट गॉड, यार जो सन वुकोंग की मांगा थी ना मैंने उसमें पढ़ी थी उसमें भी हुआ करता था, सन वुकोंग ने जिसकी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, यार वाओ यार वो वाला कैरेक्टर सच्ची में रियलिटी में मैंने देख लिया है। हेलो जैंट स्पिरिट गॉड मुझे भी आपसे मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट यहाँ पे था, वो तो खुश हो जाता वाओ यार ये मेरे बारे में जानते और मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड यहाँ पे थे, जान के धन्य धन्य हो गया। तो हमारे नियांग फेंग ये भी कहता है कि हाँ वो बातें ठीक है कि तुम हवेली गेट यहाँ पर रिपेयर करना चाहते थे तो जाके रिपेयर करो, ये भी कहता है ये तो यू हो जाएगा लिटरली कुछ ही मिनट में कर देता है। बाकी सब कहते साले जब तो कुछ ही मिनट में कर सकता था तो पिलर लेके यहाँ से वहाँ घूम कर को रहा था तो उन्हें बहुत पहले किया कहीं को नहीं, ये भी कहता मिस्टर नियांग फेंग आने वाले तो उनको दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ दो मिनट में रिपेयर कर सकता हूँ, तो उनके सामने मैंने रिपेयर यहाँ पे किया और हवेली गेट यहाँ पर उस गेट से अंदर यहाँ पे जाएंगे। तो बेसिकली गेट के अंदर हमारे नियांग फेंग नहीं रह गए, नहीं रहने के लिए और अंदर जाना तो गड्डी बुला ली जाती है और कहा जाता है कि बैठिए इसके ऊपर हम आपको ले चलते हैं। नियांग फेंग कहता बैठिए और लेके चलते हैं, यानी भाई जो मेरा जगह है वो काफ़ी अंदर होने वाला है क्या, यहाँ पे नहीं है क्या, और जाने के लिए गड्डी की जरूरत पड़ेगी, ये भी बात आता है ऑफकोर्स भाई। तो नियांग फेंग को लगता है कि अरे यार
घर में कोई उतना भी कमाल का बंदा नहीं हूँ जो लोग मुझे महल दे देंगे या पैलेस यहाँ पे दे देंगे। जाहिर सी बात है सुमड़ी में कोई छोटी सी जगह यहाँ पर होगी, वहाँ पर लेके जा रही होंगी। तो रास्ते में इसको मैं डियर दिखा देता जो कि 9 कलर डियर कहा जाता है। फिर उसके अलावा और भी कमाल कमाल की चीज़ें दिखाई दी जाती है जो देख के बड़ा खुश हो जाता है। फाइनली उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में इसको रहना यहाँ पे था। और जैसे वो एरिया देखता है ना या नियांग फेंग का एकदम पूरा भोचक्कर निकल जाता है, दम देखता ही देखता रह जाता है। जैन स्पीड गॉड भी कहता है बॉस होश में आओ, वो होश में आ ही नहीं पाता कि अरे बाप रे मुझे लगा कोई छोटा मोटा मुझे घर यहाँ पे दिया जाएगा। अबे एक तो भाई इंपॉर्टेंट एरिया में इतना इंपॉर्टेंट घर, घर नहीं भाई बंगलो है बंगलो, और बंगलो नहीं महा बंगलो है भाई, इतना बड़ा घर बना के कौन देता है। मैं जैसे अभी राजा रानी यहाँ पर आते हो कहते मिस्टर नियांग फेंग कैसे हो, ये भी कहता मैं तो बड़ी हूँ यार, लेकिन ये जगह अभी ये जगह भाई मतलब पहले तो यहाँ पे नहीं थी जब मैं पहले यहाँ पर रहता हूँ। वो लोग कहते यस पहले यहाँ पे नहीं थी, हमने स्पेशली आपके लिए रहने सहने के लिए यहाँ पे बनाया। नियांग फेंग भी कहता है कि अरे यार मेरे जैसे आदमी के लिए इतना बड़ा जगह बनाने की क्या जरूरत थी, आप लोग बिना कुछ ज़्यादा ही करते हो। जो सुनते ही सामने से अपना राजा भी कहता नहीं नहीं ज़्यादा क्या करता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करता, सामने से मरानी सोचती भाई हमारी कोई औकात ही नहीं है जो इनके लिए कुछ यहाँ पे बना सके। हेवेली पैलेस नहीं, इन शॉर्ट जो हेवन है ना, हेवन ने खुद उनके लिए जगह यहाँ पे बनवाया है। हाँ हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक जगह तैयार हुआ इनके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते भाई वही सब कुछ यहाँ पे बातचीत होती है। तभी राजा सामने से कहता आज से भाई ये जगह पे आप ही यहाँ पे रहोगे और ये जगह आप ही से बिलोंग यहाँ पे करेगा, और आज से मैं अनाउंस करता हूँ यू आर अवर सेंट, तो आपसे हम सब आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये कुछ अपने इंपेरियल डिग्री निकालता है यानी ऑर्डर निकालता है। तो जैंट स्पीड गॉड कहते सेंट जी नमस्कार, राजा रानी कहते सेंत जी नमस्कार, सारे प्रिंसेस कहते सेंत जी नमस्कार, ये भी कहते सेंत। अभी इतना बड़ा बड़ा टाइटल देखे मेरी औकात इतनी मत बढ़ाओ, मैं तो बस एक छोटा सा मामली सा मॉर्टल हूँ, ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो कल्टिवेशन यहाँ पे कर सकता है, या जो होना तो हो गया गलती से, मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो राजा रानी भी कहते हाँ यार हे कमाल के लेकिन नॉर्मल बनने का नाटक करते ना, लेकिन अभी हमको मेरिट्स की जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। तो हमारे नियांग फेंग कहते मेरिट्स ना या तो हम आपको यहाँ पे दे देंगे। हाँ तो मेरिट्स यानी सब्जेक्ट टाइप का और यहाँ पर होता है जिससे सबको फायदा यहाँ पर, जो कि पहले नियांग फेंग अपनी बॉडी से निकाल सकता है वही अपनी बॉडी से निकाल कर देने लग जाता है। इनको जैसे मिलते हैं लोग खुश की भाई मिस्टर नियांग फेंग कितने अच्छे हैं, इतना बड़ा एहसान भी किया और हमको मेरिट्स भी यहाँ पे दे रहे हैं, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।